मित्रों नमस्कार, एपीएस ऑनलाइन क्लास कामा में आपका स्वागत है। आज आपके लिए पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने आपके लिए अलंकार बता रहे थे, तो जिनमें आपके शब्द अलंकार रूपक वो शब्द अलंकार श्लेष यमक अनुप्रास उसके बाद में अर्थ अलंकार आपका उपमा है रूपक है, इनके बारे में हमने आपको बताया। आज इसी के अगले भाग अन्योक्ति अलंकार के बारे में आज विस्तृत से बात करेंगे। तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? अन्योक्ति अन्योक्ति अलंकार परिभाषा जहां काव्य में अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का वर्णन किया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी मित्रों इसकी परिभाषा है अन्योक्ति, जहां काव्य में अप्रस्तुत कौन रहता है? उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय यानी जिसको उपमा दी जा रही है का वर्णन किया जाता है। इसको एक दो उदाहरण देखिए, एक दो उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए नन पर इसके बारे में मित्रों ये उदाहरण है, इसको बताते हैं कि स्वार सुकृत ब्रथा देख बिहंग विचार बार पराई वान पर तू पंछी नु ना मार। इसमें और भी है दूसरा माली और देख कर कलियन
हरी उपा फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। तो मित्रों इसमें ये जो दोहा है इसमें बताया गया है कि ना तो इससे पहले कोई जो राजा जयसिंह थे वो उन पर कहा गया है, कवि बिहारी के द्वारा बाज पक्षी के माध्यम से यहां पर अप्रस्तुत कौन है, बाज पक्षी है। यहां इसमें अप्रस्तुत कौन है, बाज पक्षी है, लेकिन प्रस्तुत कौन है उनमें महाराजा जयसिंह जयपुर के, उनको देख करके कि वो अपने ही औरंगजेब के इशारे पर अपने ही देशी राज के राजाओं को औरंगजेब के कहने पर मार रहे थे। यानी तब बिहारी जी ने उनसे कहा कि ना तो ये आपका इससे कोई स्वार्थी पूर्ति हो रही है, ना ही ये अच्छा काम है और ना ही ये परिश्रम आपके काम आएगा, ये सभी बेकार है, ये मेहनत विचार, ये बाज पक्षी तू ये विचार करके दे कि तू बाज पक्षी पराए, यानी औरंगजेब के इशारे पर तू अपने ही देशी राजाओं को मार रहा है, पंछी को ना मार, तू अपने ही पंछी का अर्थ क्या है यहां पर बाज पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह के लिए ये उक्ति कही गई है। ऐसे ही यहां माली आपको देखकर कलियर कली पुकार फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात, यहां पर फूलों के माध्यम से ये हमें उक्ति दी गई है कि जो भी आज मृत्यु के पास है खिल चुके हैं पूरी तरीके से फल फूल करके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है, उनको इस संसार से विदा लेने के लिए जो यमराज हैं वो आ रहे हैं और अगले दिन जो भी खिलेंगे उनको भी फिर से आएंगे। यानी माली के माध्यम से यहाँ पर ये मानव नश्वर संसार के बारे में कहा गया है। तो ऐसे ही और भी सारे हैं, ना ही पराग ना ही अदरवल ना ही विकास ही काल अली कली ही शिव बदो आगे कौन हवाल। एक और ये जो दुआ है इसमें भी कि महाराजा जयसिंह को भौमर भौरे के माध्यम से ये बताया है कि हे भ्रमर तू अभी ये कली ये जो फूल है वो विकसित भी नहीं हुआ, उसको भी मैं लिख देता हूं, उसमें भी यही बताया गया है ना ही पराग ना ही मधुमत ना ही विकास की का नहीं, ये वाला भी नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही का। अली कली शो वेदो आगे कौन हवा। इस अंत्योक्ति अलंकार के माध्यम से भी यहां भ्रमर के माध्यम से यानी ये जो अली माने कहते हैं भ्रमर, इस भ्रमर के माध्यम से राजा जयसिंह जो जयपुर के थे वो अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में इतने आसक्त हो चुके थे कि वो राजराज को भी भूल गए थे और वो
में महाराजा जयसिंह, तो इनके माध्यम से यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। तो अनुयोक्ति अलंकार कहते हैं जहाँ का आदमी है प्रस्तुत, यानी कि जो उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का वर्णन किया जाता है वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। तो मित्रों इस वीडियो में अनुयोक्ति अलंकार का हमने सविस्तार से वर्णन किया उदाहरण के माध्यम से। अब अगले वीडियो में फिर से एक नया किसी अलंकार के साथ में